हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बिहार लाइफस्टाइल एंड कुकिंग चैनल में। आज मैं आप सबके लिए दही बनाने की एक सीक्रेट तरीका लेकर आ गई हूँ, जिससे बहुत अच्छी दही बनती है। तो इस सीक्रेट तरीके से आप भी दही को बना सकते हैं। इस दही को बनाने के लिए 2 लीटर दूध को अच्छे से मैंने बॉयल कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बॉयल किया है ताकि इसमें मलाई अच्छे से आ सके। आप देख सकते हैं दूध अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इस गर्म दूध को एक चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें जो मलाई बनी है वो टूट जाए। आप देख सकते हैं सारी मलाई मैंने अलग करके दिखा दिया है आपको। इसे किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, दूध ठंडा बिल्कुल ना होना चाहिए। इसे मैंने चूल्हे से उतार के तुरंत इसे मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। दूध बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे 5 मिनट तक हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक झाग सा बन जाए और एक ही शेप में इसे राउंड राउंड घुमाते हुए मिक्स करना है। आप देख सकते हैं दूध बहुत परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है और ये ठंडा होके रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। जिस बर्तन में आपको दही बनाना है, मैं इसे 3 मटके और एक प्याले में बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे अच्छे से हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने चॉइस के मुताबिक बर्तन का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको छोटे से छोटे बर्तन में दही बना के दिखाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि छोटे बर्तन में भी दही बहुत परफेक्ट तरीके से बन सकती है। सिर्फ अच्छे ट्रिक से इसे बनाने का तरीका मालूम हो। आप देख सकते हैं ये मटका बिल्कुल छोटे साइज का है। इसमें मैंने अच्छे से इसमें दूध को ऐड कर दिया है। यहाँ बड़े साइज का एक बाउल लिया है, बाकी बचे हुए दूध को इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। मैं खुले हुए बर्तन में इसलिए बना के दिखा रही ताकि आपको समझ में आ सके कि चाहे बर्तन कोई भी हो, अगर आप अच्छे ट्रिक से दही को बनाएंगे तो दही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगी। आज का दही बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। अब देख सकते हैं दूध को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। बड़े वाले बाउल में मैंने जामुन को ऐड किया है। इसमें 1 चम्मच दही और 1 चम्मच चीनी को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, दूध को रूम टेम्परेचर पे रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है। आपने देखा मैंने 1 चम्मच इसमें चीनी को ऐड किया है और 2 चम्मच दही। बड़े साइज के चम्मच से अगर आप ले रहे हैं तो 1 चम्मच दही से ये हो जाएगा। इसे किसी चम्मच की मदद से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिक्स कर देना। आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर दिया है। पहले मटके में मैंने सिर्फ 1 चम्मच दही को ऐड किया है, जैसे हर घर में जमाया जाता है दही को। दूसरे वाले में रेड चिली को मैंने ऐड किया, इसमें कोई जामुन मैंने ऐड नहीं किया है। तीसरे वाले में ग्रीन चिली को ऐड किया है। दूध को बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दही आपकी बहुत परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगी। इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम क्लोज लीड करते हैं। फिर इसे बनाने के बाद से मैं दिखाती हूँ कि दही हमारी बन के कैसी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से सब मिक्स कर दिया है। इसे मैं ढक देती हूँ और 3 घंटे बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। किस किस के घर में इस ट्रिक से दही बनती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुश कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं दही हमारी बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये दही बनके रेडी हुई है। देखने में ही पता चल रहा है कि ये होटल से बनके आई है। अगर आप भी ऐसी ही सुपर टेस्टी दही बनाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को फॉलो करके दही को ज़रूर बनाएं। मैं बाउल के दही को कट करके दिखा रही हूँ कि कितने परफेक्ट तरीके से ये दही बनके रेडी हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दही बन चुकी है। आज की दही बनाने की ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।